We're seeing this, in fact, this Friday, that once again campuses are erupting over the BBC Modi documentary. Protests and chaos over the film screening was witnessed late last night at the JNU campus. Again, there was a late night protest, as you see on your screens there, by the JNU Students Union. They were protesting over what happened in Jamia, where students who attempted to go ahead and screen this documentary were detained. The JNU Students Union staged a protest march from their campus to the Jamia University, raising slogans like, as you see on your screens there, "End depression in Jamia, stop ABVP hooligans," and most such slogans were raised in the march by the students' union, largely representatives of the SFI. Himanshu Mishra is joining us with more details on this. Himanshu, good morning. Bataye humko ki exactly kya hua kal raat. देखिए जो उनकी लगातार जो जेएनयू एसयू है 23 जनवरी को उन्होंने पहली बार इस बारे में बोला था कि वो स्क्रीनिंग करना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है उसकी 24 तारीख को और उसी के बाद से वहां पर विवाद देखने को मिल रहा है क्योंकि 24 जनवरी को जिस दिन रात के 9 बजे उन्होंने स्क्रीनिंग की बात कही थी उस दिन जेएनयू प्रशासन ने एकदम क्लियर कर दिया था कि इसकी स्क्रीनिंग नहीं होगी क्योंकि अगर इसकी स्क्रीनिंग होती है तो कैंपस का माहौल खराब हो सकता है तो इसलिए इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाई जाती है और जो भी स्टूडेंट या जो भी ऑर्गेनाइजर इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी लेकिन हमने देखा कि 24 जनवरी की रात जब जो तय कार्यक्रम था जेएनयू एसयू का उसके अनुसार जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो 8:30 बजे लाइट काट दी जाती है उसके बाद जेएनयू एसयू का कहना है कि उन्होंने जब मोबाइल पर और लैपटॉप पर स्क्रीनिंग शुरू की देखना शुरू किया उस ब्लॉक्ड डॉक्यूमेंट्री को तो उस दौरान उन पर पथराव किया गया इसके बाद 2 स्टूडेंट को भी वो लोग पकड़ते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं बताया जाता है कि वो एबीवीपी के थे इसके बाद दोनों तरफ से एक एक कंप्लेन दिल्ली पुलिस को दी जाती है दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसमें अच्छा सबसे खास बात यह है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कंप्लेन्स ले ली है एक कंप्लेन दी गई है जिसमें कहा गया है कि किस तरीके से उनपे पथराव हुआ उन्हें रोका गया और दूसरी कंप्लेन दी गई है उन 2 लड़कों की तरफ से जिनका कहना है कि वो लोग रात में डिनर करने के लिए गेट पे आए थे और अचानक उन्हें पकड़ लिया गया स्टूडेंट के द्वारा इसके बाद कल फिर इसके बाद जामिया में हुआ कि जामिया में 25 जनवरी को जामिया यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग कराई जाएगी वहां पर रोक लगाया गया जिसके बाद अब स्टूडेंट्स ने कल एक मार्च निकाला और उन्होंने इस So essentially, from what Himanshu is telling us, this was a solidarity march where JNU students said that we stand with, in fact, our mates in Jamia after they were detained and stopped from screening the film. This kind of a protest march was held.